बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आप हजरात की खिदमत में रोजे अरबईन के मुकम्मल आमाल बयान करना चाहते हैं जो शिया अहम किताबों में बयान हुए हैं। सबसे पहले ज़ियारत अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना है कि जिसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। इस ज़ियारत अरबईन को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने मोमिन की एक निशानी करार दिया है, लिहाजा रोजे अरबईन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ने पर बहुत ज्यादा ताकीद हुई है। लिहाजा रोजे अरबईन चाश के वक्त ये ज़ियारत अरबईन पढ़ना मुस्तहब है। दूसरे गुस्ल अरबईन है, रोजे अरबईन गुस्ल भी बयान हुआ है कि एक मोमिन गुस्ल करे। अल्बत्ता एक रिवायत के मुताबिक गुस्ल तौबा भी बयान हुआ है, बहरहाल दोनों एक साथ किया जा सकते हैं, गुस्ल अरबईन भी और गुस्ल तौबा भी। तीसरे नमाज सुबह के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम पढ़े और 70 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़े जो सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। पांचवे नमाज ज़ुहर के बाद सूरह बल असर और उसके बाद 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़े। नंबर 6, जब रोजे अरबईन का सूरज डूबने लगे तो 40 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और सातवें नमाज ईशा के बाद सूरह यासीन पढ़कर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हदिया करें कि इंशाअल्लाह इन आमाल को बजा लाने के बाद अपने लिए और तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करें और खास तौर पर इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए दुआ करें। उम्मीद है कि खुदाबंद आलम तमाम मोमिनीन मोमिनात को हर बला और मुसीबत से महफूज रखे और तमाम परेशानियों का खात्मा फरमाए। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।